आज आते हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, मिरर इमेज है जिसको आप क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं। सीजीएल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब कहते किसको है, किसी वस्तु का दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण, दर्पण में जो आप देखते हैं, आपके जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब, उसको क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब आईना में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कैपिटल लेटर का मिरर में, कैपिटल लेटर का, जैसे ये मिरर है, आप बताएंगे कि मिरर में हम किधर से देखेंगे। ये मिरर का पीछे वाला भाग हुआ जो कि कलाई किया हुआ होता है, मिरर का पीछे वाला भाग हुआ, दर्पण के पीछे वाला भाग होता है ये, ठीक है। और हम लोग इधर से देखते हैं, ठीक है, हम लोग जो है इस साइड से देखते हैं, ये कलाई किया हुआ भाग रहता है, दर्पण में हम लोग इस साइड से देखते हैं, ठीक है। और कोई वस्तु भी रखेंगे तो यहां भी रखेंगे, उसका प्रतिबिंब दर्पण में कैसा बनेगा। आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर का देखते हैं प्रतिबिंब, कैपिटल लेटर का प्रतिबिंब दर्पण में कैसे बनता है, ठीक है। आप अगर ए रखते हैं, अगर आप ए रखते हैं दर्पण के सामने में, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक है। इसको आप ए को पलटेंगे, ए को इस तरीका से पलटेंगे तो ए ही होगा, ठीक है। तो ए का प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक। अब आते हैं बी को देखते हैं, अगर बी रहेगा दर्पण के सामने में तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बी को आप पलट दीजिए, फील करिए, बी को आप जब पलटेंगे इस तरीका से, बी को जब आप पलटेंगे तो कैसे बनेगा उसका प्रतिबिंब, ऐसे बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। क्योंकि दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब पलट के बनता है, अगर बी ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक। तो बी का जो प्रतिबिंब बना वो बी का प्रतिबिंब क्या बनेगा दर्पण में, आप इस लेटर का प्रतिबिंब याद रखेंगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप सी को देखते हैं, तो सी का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सी का प्रतिबिंब बनेगा, जैसे ये सी है तो ये सी क्या होगा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है, पलट के बनता है, तो सी ऐसे है तो सी ऐसे पलटेगा, तो फील करिए कि सी जब ऐसे पलटेगा तो कैसा दिखेगा, इस तरीका से दिखेगा, ठीक है। तो सी क्या होगा, सी का प्रतिबिंब ऐसे होगा, ठीक है। अब आइए हम डी का प्रतिबिंब देखते हैं, तो डी का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो मिरर के सामने अगर आप डी रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, ये भी पलटेगा, तो आप इसको फील करिए कि इस तरीका से पलटना है, क्योंकि प्रतिबिंब पलट के ही बनता है, तो इस तरीका से बनेगा, ठीक है। तो डी का प्रतिबिंब मिरर में इस तरीका से बनेगा, ठीक है, इस तरीका से बनेगा। ई का प्रतिबिंब देखते हैं, अगर आप ई ऐसे लिखे तो फिर जब आप इसको पलटेंगे, तो जब आप इसको ऐसे पलटेंगे, ई को जब आप ऐसे पलटेंगे तो इस तरीका से प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये इमेज बनता है, ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ई को जब पलटेंगे तो इस तरीका से बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। आइए ऐप का प्रतिबिंब देखते हैं, जब आप ऐप को पलटेंगे तो इस तरीका से बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, इस तरीका से बनेगा, ठीक है। और जी का प्रतिबिंब देखते हैं, आइए जी का प्रतिबिंब देखते हैं, जी ऐसे है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरीका से बनेगा, ठीक है, इस तरीका से बनेगा।
तो जी का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इस तरीका से बनेगा। एच का प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक है, तो एच का तो एच ही बनेगा, एच का एच, इसको पलटने के बाद भी सेम दिखेगा, इसलिए एच का प्रतिबिंब क्या बनेगा? एच ही रहेगा। आई का आई ही बनेगा, ठीक है। जे का क्या बनेगा? जे अगर इस तरीका से लिखा है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो जे को पहले आप लिख दीजिए इसे, ठीक है, उसको जब आप ऐसे पलटेंगे इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जे का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। के का देखते हैं, तो के को जब आप ऐसे पलटेंगे तो ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो आप के का प्रतिबिंब कैसे लिखेंगे? ठीक। एल को जब आप पलटेंगे तो इस तरीका से लिखाएगा, और एम को जब आप पलटेंगे तो एम ही लिखाएगा। एम का इमेज क्या होगा? एम ही बनेगा। एन को कैसे बनेगा इमेज? एन का इमेज ऐसे बनेगा। ओ का ओ ही बनेगा, ठीक है। पी को जब आप पलटेंगे तो इस तरीका से बनेगा। क्यू को अगर इधर है तो इधर बन जाएगा, ठीक है। आर कैसे बनेगा? एस का इमेज कैसे बनेगा? एस जब आप एस ऐसे है तो जब आप एस को पलटेंगे तो एस का इमेज कैसे बनेगा? एस को जब आप पलटेंगे तो एस का इमेज कैसे बनेगा, ठीक है। तो एस का इमेज इस तरीका से बनेगा, ठीक है। एस का इमेज इस तरीका से बनेगा। उसके बाद टी को जब आप पलटेंगे तो ऐसे ही बनेगा। यू का यू ही रह जाएगा, भी का भी ही रहेगा, डब्लू का डब्लू ही रहेगा, एक्स का एक्स ही रहेगा, वाई का वाई ही रहेगा, और जेड को जब आप पलटेंगे तो देखिए जेड का कैसे बनेगा। जेड अगर ऐसे है तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कैपिटल लेटर का इमेज हुआ, ठीक है। इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आपका इमेज जो बनेगा इधर बनेगा, ठीक है। ये लेटर रखेंगे इधर, तो अगर हम लिखते हैं ए बी सी, ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ए ही हो जाएगा, ठीक है। बी का क्या होगा? ये होगा, और सी का क्या होगा? ये होगा। लेकिन ये तो हम अलग अलग लेटर का बताए कि ए का इमेज ये होता है, बी का इमेज इस तरीका से होगा, सी का इमेज इस तरीका से होगा। लेकिन जब एक साथ तीनों लेटर लिखा हो, ए बी सी, जब मिरर के सामने रखा हो तो ये भी तीनों लेटर क्या होता है, आपस में पलट जाता है। तो ये तीनों लेटर पलटेगा तो ये ए बी सी है, जब इसको पहले लेटर को पलटेंगे तो पहले क्या आएगा? सी आएगा, तब बी आएगा, तब क्या आएगा? ए आएगा। तो जब इस तीनों लेटर को भी आपस में हम क्या करते हैं? पलट देते हैं। इस तीनों लेटर को भी आपस में पलटेंगे तो पहले सी लिखाएगा, तब बी लिखाएगा, तब ए लिखाएगा, ठीक है। लेटर का इमेज भी बनाएंगे और तीनों लेटर क्या होगा? पलट जाएगा। तो पहले सी लिखाएगा, तब बी लिखाएगा, तब ए लिखाएगा। तो सी का मिरर इमेज क्या होता है? सी का मिरर इमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी का मिरर इमेज क्या होगा? बी का मिरर इमेज ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ए का मिरर इमेज यही होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज बनेगा इधर, ठीक है, और आपका ये मिरर है। तो मान के चलिए क्या है,
आर है, ठीक है, के है और एल है। तो आर है, के है और एल है, तो सबका इमेज अगर बनाना है तो पहले तो ये आर के एल ये पूरे पलटेगा, तो शुरू में क्या लिखाएगा, इस तरीका से पलटेगा, जब इस तरीका से ऐसे पलटेगा तो पहले शुरू में क्या लिखाएगा एल, फिर क्या लिखाएगा के, तब क्या लिखाएगा आर, सबका मिरर इमेज लिखाएगा, तो पहले शुरू में क्या लिखाएगा के, शुरू में क्या लिखाएगा एल लिखाएगा, तो एल का मिरर इमेज क्या होता है, एल का मिरर इमेज ये होता है, उसके बाद क्या लिखाएगा के, चूंकि ये पलट जाता है, ये पलटी होगा तो पहले एल लिखाएगा, तो एल का मिरर इमेज, एल का मिरर इमेज ये हुआ, उसके बाद क्या होगा के, के का मिरर इमेज देखते हैं, के, के का मिरर इमेज ये हुआ दर्पण प्रतिबिंब, तो के का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। उसके बाद आर, आर का प्रतिबिंब कैसे होगा, आर का प्रतिबिंब ऐसे होगा, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन, अगर ये ए हो और एक्स हो तो पहले पलटेगा, तो शुरू में क्या लिखाएगा, किसका इमेज लिखाएगा, एक्स की इमेज लिखाएगा, फिर उसके बाद किसका इमेज लिखाएगा, ए का इमेज लिखाएगा, तो शुरू में जब एक्स का इमेज लिखाएगा तो एक्स का इमेज एक्स के जैसा ही दिखेगा, ए का इमेज ए के जैसा ही दिखेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पहले लिख लीजिए आप।